हमारी जो आरक्षण की मांग है ये लोकतांत्रिक और अनुशासन के तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शन के लिए और आगे के आंदोलन की रणनीति के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस शाहपुरा की धरती से निकला हुआ एक युवा जिसने यहाँ क्रांति की जो ज्वाला पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जब पूरे राजस्थान के अंदर आरक्षण की ज्योति जल रही है वो लोकतांत्रिक और अनुशासन तरीके से हम हमारी मांग रख रहे हैं और इस मांग के लिए जोधपुर की धरती से यहाँ आया हुआ एक उद्यमी जो भामाशाही और उद्योगपति भी है और सैनी विकास संस्थान के अंदर मेरे साथ प्रदेश के संयोजक हैं आदरणीय राम गोपाल जी गहलोत साहब, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ऐसे शिक्षाविद जो लगातार 40 से 45 साल तक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नए नए युवाओं को अध्ययन कराकर किसी को इस देश की रक्षा के लिए सेना के अंदर भेजा, किसी को अध्यापन के लिए शिक्षक बनाया, तो इस समाज के अंदर और इस देश के अंदर जो फैली बीमारी थी उस बीमारी का अंत करने के लिए किसी को डॉक्टर भी बनाने का आपने काम किया और आज सेवानिवृत्त होकर इस समाज के लिए आप सेवा करने के लिए आए। ऐसे शिक्षाविद सैनी माली महापंचायत जयपुर जिला देहात के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर युवाओं की बहुत, जहाँ कोटबुदली से सैनी माली विवाह समिति का एक बिगुल बजा रहे युवा बबलू सैनी है, तो बस्ती के अंदर युवाओं की टीम लेकर पूरे राजस्थान के अंदर भाई दीपक सिंह सैनी। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे युवा यहाँ पर मात्र, अभी बात हो रही थी मेरे यहाँ के इंटेलिजेंसी ब्यूरो से, वो कह रहे थे कि आप 100 या 125 जने हैं। मैंने बोला ये तो मात्र टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। हम हमारा हक मान रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं ना कोई भीख मांग रहे हैं। और जब हक मांगा जाता है तो लोकतांत्रिक तरीके से मांगा जाता है, और हक मांगा जाता है तो लोकतांत्रिक बातें अगर नहीं मानी गई या अनुशासन नहीं मांगा गया तो हम छीन कर भी मांग सकते। रात को भाई सीपी का फोन आया, बोला भैया ये जो यज्ञ चल रहा है इस हवन के अंदर आपकी भी आहुति होनी चाहिए। मैंने बोला निश्चित रूप से इस यज्ञ के अंदर आहुति मेरी नहीं बल्कि सैनी समाज के जो योद्धा है जो इस बात के लिए, इस समाज के लिए आगे आ रहे हैं कि हमें तन मन और धन से इस हवन, इस यज्ञ के अंदर हमें हवन देना है। मैंने निश्चित रूप से आपको ये कहा कि मैं सवेरे जब आपका कार्यक्रम 10 या 11 बजे का है मेरे राष्ट्रीय प्रदेश के संयोजक और पूरी टीम के साथ आऊँगा। निश्चित रूप से आज तो प्रतिनिधि आए हैं, देखते हैं कि सरकार हमारी बात, हमारी मांग माने। सरकार से हम तो यही कहना चाहते हैं कि माली और सैनी, कुशवा और मौर्य और शाक और शिरवंशी।